समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ सुरक्षा घटने का दर्द भी छलकाया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सीएम योगी से डरता हूं। सत्ता में आने के बाद उन्होंने घर से निकाल दिया, नेताजी को भी निकाल दिया, इसके साथ ही सुरक्षा भी ले ली गई। अखिलेश ने कहा यूपी की बीजेपी सरकार का दिल बहुत छोटा है, सरकार ने उनको मिली अच्छी कार वापस लेकर अम्बेसडर दे दी। अरे भाई कोई रंग कुछ आ जाए घर में आ जाए, वैसे भी घर में निकाले गए थे हम कुछ दिन पहले। निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए थे? हम और नेताजी दोनों निकाल दिए गए थे, किराए पे रह रहे थे, सिक्योरिटी हट गई, गाड़ी एम्बेसडर दे दी, खाना बनाने वाले हटा दिए। अरे सरकार का इतना छोटा दिल है, मुझे नहीं पता था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया बीजेपी सरकार के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा ये बात रखी गई अखिलेश यादव की तरफ से। हमला बोलते हुए नजर आए सरकार पर, सुरक्षा घटने का दर्द जो है वो भी छलकता हुआ नजर आया। कहा सीएम योगी से डरता हूं, घर भी छीन लिया गया, घर से निकाल दिया गया, यहां तक कि नेताजी को भी घर से निकाल दिया गया, सुरक्षा भी ले ली गई। इसके साथ अखिलेश ये कहते हुए नजर आए कि मुझे नहीं पता था सरकार का दिल इतना छोटा है, सरकार ने उनको मिली अच्छी कार भी वापस ले ली और अम्बेसडर उनको दे दी। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सरकार का दिल बहुत छोटा है, जैसे ही वो सरकार में आए, सत्ता में आए, उनसे सिक्योरिटी ली गई, उनका घर लिया गया, नेताजी को निकाल दिया गया, वो डरते हैं सरकार से। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का दर्द कह लीजिए, तंज कह लीजिए, लेकिन अखिलेश की तरफ से ये बयान सामने आया, ये बात रखी गई। तो अखिलेश की तरफ से क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया एक बार फिर से सुनिए। अरे भाई कोई रंग कुछ आ जाए घर में आ जाए, वैसे भी घर में निकाले गए थे हम कुछ दिन पहले। निकाले गए थे कि नहीं निकाले गए थे? हम और नेताजी दोनों निकाल दिए गए थे, किराए पे रह रहे थे, सिक्योरिटी हट गई, गाड़ी एम्बेसडर दे दी, खाना बनाने वाले हटा दिए। अरे सरकार का इतना छोटा दिल है, मुझे नहीं पता था। तो ये सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने यहां पर बोला बीजेपी सरकार पर हमला। उन्होंने कहा कुछ समय पहले घर से निकाल दिया गया, सुरक्षा उनकी हटा दी गई, यहां पर गाड़ी उनसे ले ली गई यहां पर, और अच्छी कार की जगह एम्बेसडर कार उनको थमा दी गई। ऐसे में इस सरकार से डरते, उन्हें नहीं पता था कि बीजेपी सरकार का दिल जो है वो इतना छोटा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी तरफ से बात रखी गई, और दर्द कहीं ना कहीं इस चीज का देखने को मिला कि उनकी सुरक्षा जो घटाई गई उसको लेकर भी उन्होंने यहां पर यह बात कही। अब ये दर्द था, तंज था, वो अखिलेश ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार पर कुल मिलाकर हमला उन्होंने यहां पर बोला है। और साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, सुरक्षा जिस तरीके से उनकी हटाई गई उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से ये बात भी अब सामने आ गई कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई, पहले उनका घर भी ले लिया गया, नेताजी को भी नहीं छोड़ा गया, किराए के घर पर उन्हें रहना पड़ा कुछ समय तक। बीजेपी सरकार का दिल इतना छोटा होगा इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं था, इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतना छोटा दिल बीजेपी सरकार का होगा और सीएम योगी से डरता हूं मैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप ही का सुझाव। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बात रखी गई अखिलेश यादव की तरफ से, कैसे उसे देखे? ये सिर्फ हमला था, दर्द था, तंज था, किस वे में से देखा जाए, या फिर ये एक स्टंट था? देखिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खास तौर से जेएनयू को लेकर सवाल खड़े किए। जेएनयू को लेकर भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि एक विचारधारा के जो लोग हैं वो कहीं पर बैठकर एक विचारधारा किसी पर ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह की जेएनयू में मामले हुए। खासतौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर भी उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो है आंकड़े छुपाने का काम किया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी
पार्टी की तरफ से उन्होंने इस बात को भी कहा कि दिल्ली में जो होने वाले चुनाव हैं उसमें अभी फिलहाल लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। अभी हालांकि पार्टी के नेताओं से वो बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद कोई फाइनल निर्णय लेंगे। लेकिन आज जो मेक अगर मुख्य रूप से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो आज अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दो प्रमुख मुद्दों पर की थी जिनमें एक जेएनयू का मामला शामिल था, दूसरा जो उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर उनकी बदहाली को लेकर आज आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जगहों पर वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से लेकर अक्टूबर 2019 तक के जो आंकड़े हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वो सरकार ने छुपाए हैं। करीब 1500 के आसपास के जो मरीज थे वो इसमें जो है इसमें इस पूरे मामले में प्रभावित हुए थे लेकिन सरकार ने 500 से कम के आंकड़े बताए। तो इन सब चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला आज भाजपा सरकार पर किया है, यूपी सरकार पर किया है और उन्होंने लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, जेएनयू को लेकर तो यहाँ पर प्रश्न किए ही विशाल, लेकिन अपना छुपा दर्द भी शायद वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आ ही गए। हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि हम सरकार से के खिलाफ नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, हमारा घर छीन लिया गया, यहाँ तक कि अब हमारे जो पिताजी हैं उनको भी घर से निकाल दिया गया, सुरक्षा ले ली गई, साथ ही साथ गाड़ी जो है वो लेकर एम्बेसडर दे दी गई। तो इस तरह का जो जो डर था वो भी अखिलेश यादव का आज जो है झलका। हालाँकि उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया लेकिन जो तमाम उनके सरकार की जो विकास योजनाएँ थी उनको ही इस सरकार में नाम बदलने का जो आरोप था वो अखिलेश यादव ने पुरानी तरह की तरह फिर से एक बार दोहराया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लगातार जो है पुरानी योजनाओं का ही नाम बदला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यूपी सरकार पर खास तौर से स्वास्थ्य सेवाओं और जेएनयू के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जेएनयू की घटना को लेकर एक बनारसी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ठीक जैसे बनारसी घटना में हुई थी वैसे ही जेएनयू में घटना हुई है, बाकायदा सुयोजित तरीके से बाकायदा जो नकाबपोश जाते हैं वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा, तमाम बातें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की तरफ से यहां पर रखी गई और अब दर्द कहीं ना कहीं दिखा अखिलेश यादव का। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त बीजेपी से। शलभ जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शलभ जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी आपकी सरकार का दिल जो है वो बहुत छोटा है, उनको घर से निकाल दिया गया और अब तो उन्हें सीएम योगी से डर भी लगने लगा है। देखिए मैं तो उनको साधुवाद दूंगा कि कम से कम उनका जो असली दर्द है आज उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उनको तकलीफ इस बात की है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के जो उन्होंने आलीशान घर बनवाया था अपने लिए वो घर सरकार ने उनसे वापस ले लिया। उनको तकलीफ इस बात की है कि उनको जो बावर्ची और तमाम चीजें जिसका जिक्र कर रहे हैं वो सरकार ने ले लिया। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि राजनीति जो है वो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं मिलती है। राजनीति इसलिए नहीं की जाती है कि अपना घर आलीशान बनवा लो और आप गरीबों को आवाज तक न दे पाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बहुत आलीशान घर बनवाए हुए हैं वो घर उनसे खाली कराया जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर फैसला लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवाज खाली कराया गया क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसे से बना था, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का उसमें हिस्सा था, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी को इस बात की तकलीफ ज्यादा है क्योंकि वहां पर उन्होंने स्विमिंग पूल बनवा रखे थे, वहां पर तमाम चीजें उन्होंने लगवा रखी थी। जिस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आम लोगों के लिए ना खर्च करके, गरीबों के लिए ना खर्च करके, पिछड़ों दलितों और शोषितों के लिए ना खर्च करके उन्होंने अपने आवास में लगाया, उसकी बजाय अगर उन्होंने गरीबों को आवास दिए होते, पिछड़ों को आवास दिए होते, दलितों के शौचालय बनवाए होते तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की जनता उनको सत्ता से बाहर नहीं करती। अखिलेश जी का दर्द हम लोग समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता है, लेकिन हमको अपने नेतृत्व पर गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस सलाह को भी स्वीकार नहीं किया जो उनको दी गई थी कि कल को आपको भी आवास मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कि नहीं, ये गरीबों के लिए उन्होंने खर्च होना चाहिए पैसा और इसलिए आवास खाली कराई जाती है। बिल्कुल शलभमणि त्रिपाठी जी, जिस तरीके से कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से सीएम योगी से उनको डर लगता है, क्या वाकई आपको लगता है अखिलेश यादव को डर लगता होगा? देखिए उपद्रवियों के साथ घूमेंगे, बवालियों को संरक्षण देंगे, जिन लोगों ने पुलिस पर असलहे चलाए, जिन लोगों ने पुलिस पर बम दागे उनका समर्थन करेंगे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे। तो ऐसा हर व्यक्ति जो उपद्रवियों को संरक्षण देता हो, ऐसा हर व्यक्ति जो बलवाइयों को संरक्षण देता हो उसको अगर हमारे मुख्यमंत्री से डर लगता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शलभ जी। तो शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से जो कि कह रहे हैं कि अगर उपद्रवियों का साथ अखिलेश यादव देते हैं और ऐसे में वो डरते हैं मुख्यमंत्री, तो उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है।